नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुस्लिम समुदाय अवैध ढांचा गिराने के लिए तैयार, हिंदू संगठन बोले जमीन सरकारी पूरा गिराए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में नया मोड़ आ गया। मैं मुस्लिम समुदाय ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा और कहा वह अवैध निर्माण को हटाने को तैयार है। मैं समुदाय ने निगम से निर्माण हटाने की मंजूरी मांगी है। मैं इससे मामला सुलझता नजर आ रहा था, लेकिन दोपहर में विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन जमीन सरकारी है। ऐसे में वह पूरा ढांचा गिराने या सरकार को इसे कब्जे में लेने की मांग करते हैं। मैं गुरुवार सुबह मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और इमाम जमा मस्जिद संजौली मोहम्मद शहजाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त भूपेंद्र अत्री को एक आवेदन सौंपा। इसमें उन्होंने मस्जिद में अवैध रूप से बनाई ढाई मंजिला को गिराने की अनुमति मांगी। वहीं MC आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अनुरोध किया गया है कि मस्जिद का जो हिस्सा अवैध है उसे सील किया जाए। यदि MC कोर्ट का फैसला भी अवैध निर्माण हटाने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम इस आवेदन का अवलोकन कर रहे हैं और आज ही फैसला लेने का प्रयास किया जाएगा। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर दो मंत्रियों का बड़ा आरोप, पूर्व भाजपा सरकार ने दिए थे लाखों रुपये। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में राज्य सरकार के दो मंत्रियों ने भाजपा पर निशाना साधा है। वह शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मस्जिद निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की फंडिंग की गई। यह पैसा प्लानिंग हेड से दिया गया। मैं अनिरुद्ध ने कहा कि सूचना यह भी है कि जयराम ठाकुर ने CM रहते मस्जिद निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की मदद की है। मैं अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि विधानसभा में नगर निगम की ओर से दिए जवाब के अनुसार मस्जिद में पहले एक मंजिल बनी थी। मैं 2010 से 2024 तक इसके ऊपर 4 अवैध मंजिलें बनाई गई। मैं मस्जिद कमेटी संजौली मौलवी व वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध निर्माण को खुद गिराने के लिए नगर निगम आयुक्त के पास आवेदन किया गया। इसमें अवैध निर्माण गिराने व सील करने की बात कही गई है। मैं उनके फैसले का स्वागत है, यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। सेवानिवृत्त IFS अधिकारी राजीव कुमार बने राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त IFS अधिकारी राजीव कुमार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का अध्यक्ष नियुक्ति किया है। वह कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की। वर्ष 1988 बैच के IFS अधिकारी राजीव कुमार राज्य के प्रधान वन मुख्य अरण्यपाल रह चुके हैं। वह अगस्त 2023 में राजीव कुमार विभाग के मुखिया बने थे। वह 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। वह सरकार ने हमीरपुर आयोग कार्यालय में 2 सदस्य भी नियुक्त किए गए। वह इनमें 9 सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी रूपन बॉम्बे निवासी समर हिल शिमला, राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंधन निदेशक और 2005 बैच के HAS अधिकारी सुखदेव सिंह शामिल हैं। मैं अध्यक्ष सहित दोनों सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। बता दें कि वर्तमान में IAS अधिकारी RK पुरोथी को सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। मैं अब आयोग को स्वतंत्र तौर पर अध्यक्ष और 2 सदस्य दे दिए गए। मैं बता दें कि पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पुराने आयोग को भंग करके पारदर्शी तरीके से भर्तियां करने के लिए दोबारा से आयोग का गठन किया है। मस्जिदबाद मंडी में सुनवाई से 20 घंटे पहले अवैध निर्माण खुद हटाने में जुटी मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी। जी, हिमाचल प्रदेश के नगर निगम मंडी के तहत पैलेस कॉलोनी 1 में जेल रोड के पास मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बाद मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने खुद निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। मैं गुरुवार को आयुक्त कोर्ट के मामले की सुनवाई शुरू होने से 20 घंटे पहले समुदाय ने निर्माण गिराना शुरू किया। मैं सुबह 10 बजे लोक निर्माण विभाग ने राजस्व विभाग के साथ यहाँ निशानदेही की। इस दौरान 33 वर्ग मीटर पर कब्जा निकला। मैं पहले 16 वर्ग मीटर पर कब्जा बताया जा रहा था। मैं निशानदेही के बाद करीब 12:30 बजे मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने नगर निगम कार्यालय पहुंचे, अवैध निर्माण हटाने के लिए आयुक्त को पत्र सौंपा। जयराम ठाकुर बोले झूठ बोलकर नाकामी का ठिकरा हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं मंत्री। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री सरासर झूठ बोलकर अपनी नाकामी का ठिकरा हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं। वह कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी से वह डर गए हैं, वो और अपना बयान बदल रहे हैं। वह विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उन पर आलाकमान का भारी दबाव है। उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश आलाकमान की ओर से दिए गए। मैं सुकू सरकार उन्हीं से ही उनके आधारहीन बयान दिलवा कर डैमेज कंट्रोल करवाना चाहती है।
संजौली लाठीचार्ज के विरोध में कारोबारियों ने निकाली रैली, बंद रखी दुकानें। जिस शिमला के संजौली बाजार में हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में शिमला शहर और आसपास के उपनगरों के कारोबारियों ने 3 घंटे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। इस दौरान शिमला व्यापार मंडल ने नाच पर एकत्रित होकर यहाँ से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वे कारोबारियों ने रोष जताया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। वे महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई पर रोष जताया। इस दौरान कारोबारी जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचने पर कारोबारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वे कारोबारियों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि वह हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अवैध निर्माण के मामले में त्वरित कार्रवाई करें। इस मौके पर व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि वे सभी लोग हिंदू समाज के साथ हैं। जो हिंदू समाज और संगठन जो कहेंगे उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह व्यापारी बाद में है, पहले वह एक हिंदू है। इसके अलावा बालूगंज में भी कारोबारियों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनजीटी की सुनवाई में नहीं पहुंचे प्रदेश सरकार के अधिकारी, लगा जुर्माना। जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी नई दिल्ली ने वन विभाग के मुख्य आरण्यपाल और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को 10,000 रुपये जुर्माना लगाते हुए 19 सितंबर को होने वाली सुनवाई में हर हाल में पेश होने के निर्देश दिए। वहीं पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र में नियम के मुताबिक पेड़ कटान के बदले पौधे न लगाने और CETP प्लांट न लगाने के मामले की सुनवाई पेश न होने पर जुर्माने के आदेश किए। मैं शिकायतकर्ता ऊना के नजदीकी गाँव कोटला कला निवासी मनोज कौशल सुनवाई में वर्चुअल रूप से प्रस्तुत हुए। मैं इससे पहले मामले में 9 अगस्त को सुनवाई हुई थी। मैं इसमें एनजीटी ने वन विभाग के मुख्य आरण्यपाल और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन दोनों अधिकारी सुनवाई में पेश नहीं हुए। अब लाहौल में लहलाएगी काठों की फसल, IHBT पालमपुर कर रहा शोध। जे हिमाचल के खेत फिर से काठों की फसल से लहलाएंगे। हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के शोधार्थी लाहौल घाटी के मडग्राम गांव में इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। वे काठों की फसल को तैयार करने के लिए मडग्राम में 300 किस्मों की ट्रायल पर बिजाई की गई है। वे शोधार्थियों की माने तो इसमें सबसे उन्नत गुणवत्ता की फसल के बीज को अहमियत दी जाएगी। वे नकदी फसलों में विभिन्न किस्मों की सब्जियों और आलू की खेती से काठों की खेती सिकुड़ गई है। वे शोधकर्ताओं का कहना है कि काठों की सब्जी में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वे मार्केट में इसके बिस्कुट, नूडल्स, आटा और कई अन्य उत्पाद भी हैं। वे लाहौल निवासी छेरिंग फुनचोग ने बताया कि कई वर्ष से पूर्व लाहौल का हर परिवार काठों की खेती करता था, आज यह खेती विलुप्त तो होने की कगार पर है। मैं IHBT पालमपुर की वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना जायसपाल ने बताया कि वह पिछले 3 साल से लाहौल में काठों की फसल पर शोध कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिए 300 करोड़ रुपये। जे केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 137,47,00,000 की किस्त जारी कर दी है। वह इसके अलावा 300 करोड़ रुपये फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के तहत जारी हुए हैं। वह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में इस मामले को केंद्रीय मंत्री से उठाया था। उन्होंने राशि जारी करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार जताया। वह इसका काम वर्ष 2011 में शुरू हो गया था। वह बजट की कमी के चलते यह प्रोजेक्ट लटक गया था। 50% काम हो चुका है। SPU ने फिर बढ़ाई तिथि, UG कक्षाओं में 18 तक मिलेगा प्रवेश। जय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने अपने अधीनस्थ कॉलेजों के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने जो विद्यार्थी किसी कारण से UG यानी कि स्नातक कक्षाओं में दाखिला नहीं ले पाए हैं, वह उनके लिए दाखिलों की तिथि को बढ़ाकर 18 सितंबर तक कर दिया है। वह पहले यह तिथि 31 अगस्त तक ही थी। वह विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि यह अंतिम तिथि होगी और इसके बाद किसी भी परिस्थितियों में दाखिला तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि छात्रों और अभिभावकों के विशेष अनुरोध और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और दाखिला तिथि को फिर से बढ़ा दिया। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो अभी तक किसी कारणवश दाखिला नहीं ले पाए थे। संजौली में बवाल के बाद हिमाचल में अलर्ट, मस्जिदों के आसपास भीड़ नहीं जुटने देने के निर्देश। जी, संजौली में मस्जिद के निर्माण को लेकर उपजे विवाद के चलते हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुधवार को बवाल के बाद मस्जिदों के आसपास भीड़ न जुटाने के निर्देश दिए गए। वे आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा से फीडबैक लिया। इस दौरान सुक्कू ने DGP, ADG और DG को मौके पर रहने के दिशा निर्देश दिए। वे DGP को घटनाक्रम के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग ने हिमाचल के बॉर्डर एरिया में चौकसी बढ़ा दी है।
20 विद्यार्थियों की संख्या वाले 65 उच्च और 18 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में 20 विद्यार्थियों की संख्या वाले 65 हाई और 18 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिलों से डाटा एकत्र कर सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इन 83 स्कूलों के नजदीक सटे स्कूलों और वहां पंजीकृत विद्यार्थियों की जानकारी भी साथ में दी जाएगी। शिमला में 40, लाहौल स्पीति में 22, किन्नौर में 9 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। कांगड़ा के 5, हमीरपुर के 3 और ऊना, कुल्लू, चंबा व मंडी में 1-1 कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल हैं। बता दें कि बीते दिनों ही प्रदेश सरकार ने 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 419 प्राइमरी मिडिल स्कूल मर्ज किए। प्राइमरी स्कूलों को 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किया गया। मर्ज किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में दाखिले दे दिए गए। यहाँ से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बदलने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है। अब दूसरे चरण में 20 विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई स्कूलों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय ने 83 ऐसे स्कूल चिन्हित कर लिए हैं जहां 20 या इससे कम विद्यार्थी पंजीकृत हैं। मर्ज किए जाने वाले स्कूलों से कितनी दूरी पर नजदीक स्कूल है, इसकी जानकारी भी सरकार को दी जाएगी। हिमाचल की बहनों के लिए खुशखबरी, आंगनबाड़ी में इन पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ, बाल विकास परियोजना करसो के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त चल रहे 40 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। वे पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ 5 अक्टूबर तक बाल विकास परियोजना कार्यालय करसोग में आवेदन कर सकते हैं। वे आवेदन पत्रों की छटनी करने के बाद पात्र उम्मीदवारों के लिए 14 से 16 अक्टूबर तक उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय में साक्षात्कार का आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल में स्कूलों के बाद कॉलेज टीचर्स को अवार्ड। जी हिमाचल में स्कूल टीचर्स के बाद अब कॉलेज शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैं असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा विभाग नई योजना बना रहा है। मैं शिक्षा मंत्री ठाकुर ने इस बारे में कैबिनेट में लाने के लिए मेमोरेंडम तैयार करने को कहा है। मैं अभी तक स्कूल स्तर के शिक्षकों को ही हर साल 5 सितंबर को सम्मानित किया जाता था। इसी वर्ष से कॉलेजों के शिक्षकों से भी आवेदन मांगकर पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। मैं शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय को पूरा खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें कॉलेज के कैडर में कौन से शिक्षक इस अवार्ड के लिए पात्र हो सकते हैं और उनके लिए किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में पूरा स्टेटस मांगा गया है। अगले वर्ष से राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड में कॉलेजों को भी शामिल करने की तैयारी है। जगह जगह नाकाबंदी, शिमला जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर। जो शिमला के संजौली क्षेत्र में हिंदू संगठनों द्वारा हुए एक बड़े प्रदर्शन को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। मैं खासकर सोलन और शिमला में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मैं पुलिस प्रशासन ने किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए पहले से कड़े कदम उठाए और जगह जगह नाकेबंदी की गई है। मैं प्रदर्शन के मद्देनजर सोलन से शिमला की ओर जाने वाली सभी छोटे बड़े वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर। जी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर आई है। वह सरकार के उपक्रम प्रदेश पावर निगम के प्रतिष्ठित 100 मेगावाट के सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने देश की नवरत्न पावर कंपनियों को पछाड़कर राज्य सरकार के सीने पर तमगम से तमगा जड़ दिया। वह सेंज में बहने वाली पीन पार्वती नदी से प्रोजेक्ट ने 2810 मिलियन यूनिट बिजली के साथ 975 करोड़ रुपये की कमाई की है। वह लिहाजा पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने जहाँ प्रदेश सरकार का खजाना लिया है, वहीं प्रदेश सरकार इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत मान रही है। मैं प्रदेश पावर निगम के मुख्यालय शिमला से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट की बिजली ने 975 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। मैं कर्ज के तले दबे राज्य की आर्थिकी को किसी संजीवनी की तलाश है। ऐसे में 100 मेगावाट का सेंज प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिकी का प्रमुख प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कब होगा शिमला रोपवे का टेंडर, जानिए। जी हाँ, शिमला शहर में 1734 करोड़ 40 लाख रुपए से बनने वाले रज्जू मार्ग के संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 सदस्यों दल ने भेंट की। यह दल शिमला, धर्मशाला और मनाली में 10 सितंबर से 5 दिवसीय फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर हिमाचल में है। इस मिशन की शिमला नवाचार शहरी परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में दुनिया का दूसरा, भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले 13 किलोमीटर रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ होगा और इसे 4 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या के स्थानीय समाधान, स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को यातायात की सुलभ सुविधा प्रदान करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
विभागीय परीक्षाओं के लिए 20 सितंबर से करें ऑनलाइन आवेदन। जय हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2024 तक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भारतीय वन सेवा और हिमाचल प्रदेश वन सेवा, हिमाचल में कार्यरत अन्य सभी राजपत्रित एवं पात्र और राजपत्रित अधिकारी यानी कि अधीक्षक वर्ग 2 और वरिष्ठ सहायक, तकनीकी व गैर तकनीकी, आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी और कराधान निरीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी व पात्र कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी व पात्र कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियंता अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के सहायक अभियंता, राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं 26 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएंगी। वे पेपर नंबर 1 वित्तीय प्रशासन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा मंडी तथा धर्मशाला केंद्र में किया जाएगा। यह परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा संस्थान हिप्पा की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज परीक्षा के आंसर की जारी, 16 तक मांगी आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज पोस्ट की परीक्षा के आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने आंसर की को लेकर आपत्तियां भी आमंत्रित की है। वे ऑनलाइन आपत्तियां 16 सितंबर तक दर्ज करवाई जा सकती है। वे आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को ₹100 प्रति प्रश्न फीस जमा करवाने के साथ ही आपत्ति के संबंध में दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। इसके अलावा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर आंसर की के साथ उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की परीक्षा बीते 8 सितंबर को प्रदेश भर में बने 209 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में करीब 31,000 उम्मीदवार बैठे थे। बेटा के पास बरामद हुआ नशीला पदार्थ, हिमाचल में कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा। जी, हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने 2 आदमी गिरफ्तार किए, मैं इसमें कांग्रेस नेता का बेटा भी शामिल है। वजह है 45 किलोग्राम चिट्टा पाया जाना। वह चिट्टा मिलावटी हेरोइन जैसा एक पदार्थ होता है। इस घटना के कारण बेटे की हुई गिरफ्तारी से कांग्रेस नेता जागीर सिंह मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में इसकी वजह भी बताई है। वह अब तक घुमारवी ब्लॉक के अध्यक्ष थे। कैसे शुरू हुआ शिमला की संजली मस्जिद का विवाद, इमाम ने एबीपी न्यूज से किया खुलासा। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजली में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद सुर्खियों में। इस बीच मस्जिद के इमाम शहजाद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। इन दौरान उन्होंने शिमला की संजली मस्जिद विवाद को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने नगर आयुक्त से भी मुलाकात की है। इसके अलावा हिंदू संगठनों से भी इस विवाद को खत्म करने की अपील की है। बता दें कि नगर निगम के कच्छ कमिश्नर से मुलाकात और प्रपोजल के सवाल पर इमाम शहजाद ने कहा, हमने ये प्यार मोहब्बत के लिए किया। वह भावना बनी रही, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बीच आपसी भाईचारा बनी रहे। वह कोर्ट का कल फैसला आएगा, वो तो मान यही है। इससे पहले हमने यह पहल की है कि शांति बनी रहे। शिमला में व्यापारियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, एसपी शिमला को बर्खास्त करने की मांग। जी हां, शिमला के संजुली में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी बुधवार को धारा 163 तोड़कर संजुली पहुंच गए। यहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए शिमला पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वे पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आई। वे इसी के विरोध में शिमला के व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखा। मैं स्थानीय व्यापारी पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी की बर्खास्तगी की मांग उठा रहे। मैं इसके साथ ही जल्द से जल्द संजोली में बनी मस्जिद में हुई कथित अवैध निर्माण पर भी जल्द कार्रवाई की मांग हो रही है। मैं सीटीओ चौक पर पहुंचकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। HAS ओसिन शर्मा बुरी फंसी, सोशल मीडिया पर हमेशा रहती है एक्टिव। जी, अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखने वाली ओसिन शर्मा HAS को काम में देरी और सही ढंग से कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर SDM धर्मपुर ने नोटिस भेजकर प्रशासनिक और जनहित से जुड़े काम में देरी की वजह पूछी है। ओसिन शर्मा मंडी के संदोल में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। बता दें कि ओसिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। वे HAS बनने के बाद से ही वह महिलाओं को भी उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलती रही है। मैं DC मंडी अपूर्व देवगन ने जब उनके काम की समीक्षा की तो पता चला कि कई प्रशासनिक कार्य समय पर नहीं किए जा रहे हैं। मैं इससे आम जनता भी परेशान है। मैं DC के आदेशों पर SDM धर्मपुर ने यह कार्रवाई की है।
संजोली मस्जिद बात पर बोले विक्रमादित्य, भाजपा ने अवैध निर्माण का मुद्दा तो उठा दिया लेकिन अब परिणाम भुगतने को भी रहे तैयार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुछ दिन पहले दो गुटों के बीच हुई लड़ाई झगड़े का मलबा उलझकर संजोली में मस्जिद के अवैध निर्माण तक पहुंच गया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हिंदू संगठन मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराए जाने के लिए सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 सितंबर को भी विभिन्न हिंदू संगठनों बड़ी संख्या में संजोली बाजार में पहुंच कर मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, जिसे खदेड़ने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। ऐसे में मस्जिद के अवैध निर्माण का मसला देश भर की सुर्खियों में छाया है। इन सभी मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से खास बातचीत की, जिसके हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया। हिमाचल में 1500 रुपये पेंशन के लिए ये महिलाएं नौकर आवेदन, अब तक इतनी हजार महिलाओं के रद्द हो चुके हैं फॉर्म। जी, हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था। वह प्रदेश में आयोजन का अच्छी योजना का लाभ लेने के लिए नारी शक्ति ने भी कांग्रेस के वादे पर भरोसा जताते हुए चुनाव में पार्टी का खुला समर्थन किया था। ये भी एक वजह थी कि कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर प्रदेश में रिवाज बदलने का दावा करने वाली भाजपा की जयराम सरकार को पटकनी दी थी। वह साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र 25 सीट जीतकर विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई है। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं की पात्रता पर कई शर्तें जोड़ी है। इसमें सरकार की पैरा पाँच के अनुसार पात्रता नहीं रखने वाली 2384 महिलाओं के आवेदनों को रद्द किया है। ऐसे में अगर आने वाले समय में 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाली कोई महिलाएं पैरा पांच के अनुसार पात्र नहीं होगी तो उसका फॉर्म भी रद्द किया जाएगा। पंजाब के रूटों से होकर निकलने वाली हिमाचल रोडवेज की बसों में बढ़ा किराया, इन रूटों पर देने होंगे इतने रुपये। जो पंजाब रोडवेज ने हाल ही में अपने किराए में बढ़ोतरी की थी, वे पंजाब रोडवेज ने साधारण बसों में किराए में 23 पैसे की बढ़ोतरी कर इसे 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया था। अब इसका असर हिमाचल के यात्रियों पर पड़ेगा। अब पंजाब तक पहुँचने के लिए हिमाचल वासियों की भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वे HRTC बसों में पंजाब होकर दिल्ली और अन्य जगहों पर जाने पर यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। वह बढ़ा हुआ किराया पंजाब से होकर गुजरने वाले रूटों पर ही लागू होगा। हिमाचल की सीमा में बस के प्रवेश करते ही सामान्य किराया लागू होगा। साथियों ने महिला के 2 बैंक खातों से निकाले 7.5 लाख रुपये, मामला दर्ज। जी हाँ, धर्मशाला मुख्यालय के साथ लगते सुधेड़ की एक महिला ने 2 बैंक खातों से लाखों रुपये की चपत लगने की शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार महिला के 2 बैंक खातों से साथियों ने 7.5 लाख रुपये की रकम उड़ाकर महिला को मोटी चपत लगाई है। महिला को जब बैंक अकाउंट से पैसे चोरी होने का एहसास हुआ तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, वहीं ATM कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दी कि सुधेड़ निवासी महिला ने इस संबंध में धर्मशाला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वे महिला के अनुसार उसके धर्मशाला और मैक्लोडगंज स्थित बैंकों के खाते से 7.5 लाख रुपये की राशि उड़ाई गई है। मंत्री यादविंद्र गोमा ने केंद्र से हिमाचल के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत मांगे 50 करोड़ के नए प्रोजेक्ट। जो हिमाचल प्रदेश के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार से नए प्रोजेक्ट मांगे हैं। मैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर खेलो इंडिया के अंतर्गत 50 से 60 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट प्रदान करने का मामला उठाया है। मैं यादविंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े खेल प्रोजेक्टों व अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से विस्तार पूर्वक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित हो रहे प्रोजेक्टों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए की लंबित देय राशि को शीघ्र जारी करने की मांग भी की है। वह केंद्रीय मंत्री ने इस पर गौर कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। टंडा मेडिकल कॉलेज में तिमरदारों को सस्ती दरों पर मिलेगी ठहरने की सुविधा। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार ने रोगियों के तिमरदारों के ठहरने के लिए नवनिर्मित सराय का संचालन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है, ताकि उनको रियायती दरों पर ठहरने की सुविधा मिल सके। यह जानकारी DC कांगड़ा हेमराज बैरवा ने देते हुए बताया कि तिमरदारों की सुविधा को देखते हुए सराय का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा आवश्यक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि रोगियों को तिमरदारों को किसी भी तरह की दिक्कत न झेलनी पड़े।
मेडिकल कॉलेज में एंटी ड्रग्स के 2 सैंपल फेल, होलसेलर्स को स्टॉक होल्ड करने का नोटिस। जे सरकार और विभाग द्वारा असरकारी चिकित्सा संस्थानों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित लोगों के निःशुल्क उपचार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा कैंसर हॉस्पिटल खोलने पर भी विचार चल रहा है, ताकि इससे ग्रसित लोग मौत का ग्रास नहीं बने और उनको अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान हो सके। परंतु इन चिकित्सा संस्थानों में मिलने वाली एंटी कैंसर ड्रग्स की गुणवत्ता ही सही नहीं हो तो कैंसर से जूझ रहे लोग कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। ऐसा ही एक मामला जिला के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में देखने को आया है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में दी जाने वाली एंटी कैंसर ड्रग के सैंपल ही फेल हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें।